2023 में आने वाली हाईएस्ट बजट की मूवी जिनका बजट जानने के बाद में आप भी यही बोलेंगे, क्या बात कर रहे हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग हाईएस्ट बजट की मूवी। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 6 पर आती है पठान मूवी। इस मूवी को डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है और इस मूवी में आपको शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण जैसे बड़े एक्ट्रेस नजर आएंगे। और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट लगभग 300 करोड़ का बजट होने वाला है और यह मूवी 25 जनवरी तक रिलीज हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगली फिल्म की तरफ बढ़ते हैं और नंबर 5 पर आती है टाइगर 3 मूवी। इस मूवी को डायरेक्ट महेश शर्मा कर रहे हैं और इस मूवी में आपको सलमान खान, कटरीना कैफ जैसे बड़े बड़े एक्टर्स नज़र आएंगे और इस मूवी की रिलीज डेट 21 अप्रैल 2023 तक ये मूवी रिलीज हो जाएगी और इस मूवी का बजट लगभग 350 करोड़ रुपए का बजट होने वाला है। नंबर 4 पर पुष्पा द रोल पार्ट 2 मूवी आती है। इस मूवी सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और इस मूवी में आपको अल्लू अर्जुन और रेशमिका मंदाना नज़र आएंगे और इस मूवी का बजट लगभग 350 करोड़ रुपए बताया गया है। दोस्तों नंबर 3 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम प्रोजेक्ट के मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट नागा अश्विन कर रही है। इस मूवी में आपको प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और दिशा पाटनी जैसे बड़े बड़े एक्टर्स नज़र आएंगे और इस मूवी का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए तक होने वाला है। नंबर 2 पर आती है आदि पुरुष मूवी। इस मूवी को डायरेक्ट ओम रूट कर रहे हैं। इस मूवी में आपको प्रभास, कृति सोनम, सैफ अली खान और सन्नी जैसे बड़े बड़े एक्ट्रेस नज़र आएंगे और इसके बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट बताया गया है। चलिए दोस्तों अब नंबर 1 की तरफ चलते हैं और नंबर 1 पर SS राजामौली की SSMB 29 मूवी आती है। इस मूवी में आपको महेश बाबू, आलिया भट्ट जैसे बड़े बड़े एक्ट्रेस नज़र आएंगे और इस मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए तक इसका बजट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना और मिलते हैं एक और नए वीडियो में।